फेडरेशन ऑफ रेजिमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ बैठक संपन्न हुई। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद फेडरेशन ऑफ रेजिमेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अविवल माथुर ने कहा कि हमने केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा से उनके आवास पर मुलाकात की और अपनी संशोधित मांगे उनके सामने रखी। उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि वो डॉक्टरों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध कराएंगे और हमारी सभी मांगे मान ली गई है, इसलिए फोर्डा हड़ताल वापस ले रहा है। हम लोग अभी रात को डॉक्टर श्री जेपी नड्डा जी से उनके घर पे आके हम लोग मिले हैं। हम लोग कल भी मंत्री जी से मिले थे। हम लोगों ने मंत्री जी से जो कल अपनी डिमांड्स रखी थी, जैसा हमने अपनी प्रेस रिलीज में दी थी, उन्हीं को हमने आज रिफॉर्मुलेट करके वैसी की वैसी ही डिमांड्स हमने मंत्री जी को दी हैं, जिसपे मंत्री जी ने सबसे पहले घटना का संज्ञान लेते हुए घटना की कड़ी निंदा करी है। उन्होंने बताया है कि वो इस चीज़ को मानते हैं कि ये एक डॉक्टर के साथ कभी नहीं होना चाहिए। उन्होंने हमें ये आश्वस्त किया कि वो डॉक्टर्स को सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देंगे। उन्होंने बताया कि जैसे हमने कल भी उनसे कहा था कि सारी चीज़ें जैसी वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए उसकी तरफ वो सही रास्ते पे है। उन्होंने हमें सारी जो डिमांड्स हैं उसमें एक टाइम बाउंड मैनर में अश्योरेंस दी है कि उसको एड्रेस करा जाएगा। हम लोग फ्यूचर फॉलोअप्स ज़रूर लेंगे। हम लोग जल्दी आके इनसे मिलेंगे दोबारा। और उन्होंने हमसे कहा कि एक कमेटी गठित होगी जिसमें हम लोग भी हिस्सा होंगे, रेजिडेंट डॉक्टर्स, और हम लोग इस चीज़ के लिए जो हमारा डिमांड है सेंटर प्रोटेक्शन एक्ट, इस पे फोडा आगे की तरफ स्टेक होल्डर की तरह मेंबर बनते हुए जल्दी ही जल्दी इसको लाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर पाएगी।